तुम्हें याद है एक कॉन्सेप्ट मैंने किया था एसेट बीटा का, भूल गए कि याद है? याद है ना? तो मुझे लगता है कल फिर अपन वापस से आएगा तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे फिर, है ना? ये पता तो है तुमको वो कॉन्सेप्ट, और वो इक्वेशन भी पता है, बी इक्वल टू बी ए वन प्लस डी बाई ई इंटू वन माइनस टी, राइट? तो वी विल नॉट डिस्कस मच, सो वी विल सेव टाइम देयर ऑफ कोर्स, है ना? चलो ये तो अपने ख़त्म हो गया मुझे लगता है. एपीवी इज डन, वी डन थ्री सम्स वेयर देयर, वी हैव फिनिश्ड ऑल थ्री ऑफ देम. सो वी आर नाउ ओनली पेंडिंग विथ, पूरा एग्जैक्टली एक घंटा है. मुझे तो रियल ऑप्शन करके खत्म कर दूँ क्या? कि कुछ की रिस्क एनालिसिस चालू करो, तुम बोलो, तुम्हारे रियल ऑप्शन खत्म कर दे, कल बहुत चटेगा करने में, खत्म करो आज उसको. रिस्क एनालिसिस इज वेरी एंजॉयबल एक्चुअली, दिमाग, इट्स वेरी इजी. ओनली दैट यू डू नॉट नो कि हाउ मेनी सम्स यू हैव टू, हाउ मेनी वराइटीज ऑफ स्मॉल स्मॉल, छोटी छोटी वेराइटी नहीं होती है. एंड नन ऑफ देम आर लाइक रियली मतलब नन ऑफ देम आर टफ एट ऑल, वेरी बेस लेवल. बट दिस पोर्शन टिल रियल ऑप्शन इज रियली हैवी इन कैपिटल बस्टिंग. तो भगवान से मनाना कि ये वाला पार्ट ना आए, रादर वो वाला पार्ट आए. उसमें से कुछ भी आएगा तुम कर पाओगे, इसमें से कुछ भी आया करना मुश्किल है. तो हेडिंग आ रही है रियल ऑप्शंस. हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट मतलब अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस की तरह बिहेव करते हैं. व्हेन आई एम सेइंग ऑप्शंस आई मीन टू से कॉल एंड पुट ओनली, ओके? तो बोलो मैम आप एग्जांपल दो, तो मैं तुमको तीन एग्जांपल देती हूँ, दो पे तुमको सम बनवा दूंगी मैं. एक पहले तो एग्जांपल दे के बनवाऊंगी और फिर एक सम बुक से करवा दूंगी, तो तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए पोर्शन. मान लो कि मैंने ना मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, सपोज करो कि मैंने एक ड्रग इनोवेट किया है, ठीक है? और वो ड्रग जो मैंने इनोवेट किया है या कोई ऐसी प्रोडक्ट इनोवेट करी है, तो लाइसेंस एक्सक्लूसिव मेरे पास ही है उसका, किसी और के पास नहीं है. तो मैं ऐसा सोच, मुझे ऐसे डिसाइड करना है कि मैं प्रोजेक्ट को आज चालू करूं कि एक साल के बाद चालू करूं या दो साल के बाद चालू करूं. उसको बोलते हैं टाइमिंग ऑप्शन. अब तुम यू कुड कैन आस्क मी रादर वन थिंग, मैम अगर आप अगले साल तक चालू करोगे तो क्या आपका कॉम्पिटिशन आपके लिए वेट करता रहेगा क्या? तब तक कोई और आ गया तो? मैं बोलूँगी हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ बिकॉज उस प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मेरे पास है, ओके? तो क्यों नहीं चालू कर रही हूँ? क्योंकि कुछ इकोनॉमी में ना अभी अनसर्टेनिटी है. अगले साल तक इकोनॉमी अगले तीन चार साल के लिए रिसेशन में जाएगी कि मॉडरेटली ग्रो करेगी कि बूम पे जाएगी, इस बात की क्लैरिटी मुझे अभी नहीं है. इस बात की क्लैरिटी मुझे मिलेगी एक साल के बाद. एग्जाम्पल दे रही हूँ तुमको. तो अगर एक साल के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इकॉनमी रिसेशन में जा रही है तो मैं चालू ही नहीं करूंगी ना. नुकसान में जाने से तो बेटर कि मैं चालू ही ना करूं. तो इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑप्शन. मतलब तुम्हारे पास में उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करने की जो चॉइस है उसकी क्वांटिफिकेशन हम लोग करेंगे. दैट मीन्स यू हैव अ चॉइस वेन ऑप्शन टू जस्ट लेट इट होल्ड फॉर वन ईयर, ओके? देन दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. एक और एग्जांपल है कि सपोज करो कि मैं एक प्रोजेक्ट चालू करती हूँ और 500 करोड़ रुपए डाल देती हूँ या 550 या 600 करोड़ रुपए डाल देती हूँ, लेकिन वही क्लैरिटी नहीं है इकोनॉमी कहाँ जाने वाला है. मतलब रियल ऑप्शन का सम बनने के लिए ना अनसर्टेनिटी का होना जरूरी है, तभी ये सम्स बनते हैं तुम्हारे. तो अनसर्टेनिटी नहीं है तो अब मुझे ये लग रहा है और प्रोजेक्ट ऐसा है कि घुस गई तो उसको लास्ट तक मुझे जाना पड़ेगा. तो अगर अगले साल इकॉनमी बूम में आ गई नसीब से तो अच्छा है, अगर मॉडरेट आई तो भी शायद बचा लूंगी, लेकिन अगर रिसेशन में आ गया ना तो मुझे मुश्किल हो जाएगी. और इस बार ये ऑप्शन नहीं कि मैं एक साल वेट करूं, चालू तो आज ही करना पड़ेगा, ओके? तो अब मुझे, मैं सोच रही हूँ चालू करूं कि नहीं करूं. लेकिन अगर कोई मुझे ये बोल दे कि तुम चालू तो करो, अगले साल अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें नुकसान लग रहा है या फिर इकॉनमी रिसेशन में जाएगी तो तुम उसको अबैंडन कर देना. उसको बोलते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन, ओके? तो अबैंडनमेंट का कुछ पैसा मिलेगा तुमको, ओके? तो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया ना टाइमिंग ऑप्शन, वो कॉल ऑप्शन की तरह ट्रीट होता है और ये अबैंडनमेंट ऑप्शन पुट की तरह एक्सरसाइज होता है. तो पुट का एक्सरसाइज ई बन जाएगा ये अबैंडनमेंट का अमाउंट. तो अब देखूंगी अबैंडनमेंट से मिला हुआ पैसा ज्यादा है कि प्रोजेक्ट को चलाने से पैसा ज्यादा है. समझ आ रही है बात?
तो अगर प्रोजेक्ट को चलाने से ज्यादा पैसा आ रहा होगा तो क्यों छोड़ू, बढ़ूंगी ना, लेकिन अगर बेचने से ज्यादा है तो बेच के निकल जाऊंगी। तीसरा एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा बिजनेस लगाई मैं, और वो एक्चुअली बिजनेस में बड़ा होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन बड़ा मैंने लगाई नहीं बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मैं चला पाऊंगी कि नहीं चला पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने एक क्लास चालू कर दी SFM की, चलो अच्छा चल गया। क्रॉस सेलिंग में मैंने अकाउंट्स भी चालू कर दिया, ये भी चालू कर दिया, वो भी चालू कर दिया। बिजनेस क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे बड़ा कर रही हूँ। ये जो कैपेसिटी होती है ना, वो हर बिजनेस में नहीं होती है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शुरुआत से बड़े ही चालू करने पड़ते हैं। तुम सीमेंट प्लांट को बोल नहीं सकते पहले अपन प्लांट का आधा लगाएंगे, चलेगा तो प्लांट को पूरा कर लेंगे। यू इफ यू आर पुटिंग अप द प्रोजेक्ट, इवन इफ यू आर नॉट सेलिंग, यू हैव टू पुट अप द होल प्रोजेक्ट। ओके, दैट इज ऑल्सो एनालाइज एज पर द कॉल ऑप्शन, बट इन योर एग्जाम आई हैव सीन क्वेश्चंस ऑन ओनली द फर्स्ट टू वेराइटीज। सो लेट अस फ्रेम वन क्वेश्चन एंड देन डू द बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ टाइमिंग, वन ऑफ अबैंडनमेंट, एंड देन डू वन सम फ्रॉम द शीट एज वेल। हाँ दिया है मैंने, ठीक है ना, स्टार्ट समझा ना, स्टार्ट राइटिंग। There are a few projects. There are a few projects which have option like features, which have option like features some of them are discussed below. A timing option, right to postpone a project without opportunity loss, right now, without opportunity loss. This also analyzed as per call option. Then B, abandonment option, right to abandon a project before maturity, और ये होगा as per put option. एनी विच इज दिस चैप्टर कैन नॉट बी लाइक डेल्ट 110-120% लेवल पे ले जा करके, यू हैव टू लाइक थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना पड़ेगा। यूजुअली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कैपिटलिस्टिंग, तो तुम छोड़ो नहीं, इसके लिए छोड़ना तो मत, कम से कम इतना तो कर ही लेना जितने बुक में दिया मैंने सम्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक्स लिमिटेड wants to start a project but wants to decide whether to launch now or after 1 year. After 1 year,
द क्लैरिटी अबाउट द स्टेट ऑफ इकॉनमी वुड बी बेटर. The state of economy and possible cash flows are given below. Boom. Moderate 200 and recession 150. Probability 0.3, 0.4, 0.3. Initial investment is rupees 500 lakhs. Discounting factor 10%. The project will run for 3 years. Whenever it starts, suggest whether to start now or after 1 year. समझा क्या सम है? वेरी प्लेन एंड सिंपल सम, बट येट इट हैज टू बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रियल ऑप्शन. लुक एट हियर नाउ सॉल्यूशन. स्टार्ट नाउ. मैं क्या बोल रही हूं कि अगर तुम आज शुरू करोगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कैश फ्लोस कौन से होंगे, तो क्या एवरेज ले ले? अगर तुम आज शुरू करते हो प्रोजेक्ट तो तुम्हें पता है क्या? नहीं, तो क्या करें? एवरेज लेना पड़ेगा. ओके, सो एवरेज सीएफ सो एनपीवी इंटू पीवीए 10%, 3 माइनस 500. बराबर है ना? अगर हम प्रोजेक्ट को आज शुरू करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल हैव एन एनपीवी ऑफ 34.67. अब देखो ये कैसे आएगा अगला पार्ट.
स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट आफ्टर वन ईयर राइट. तो एक साल के बाद अगर शुरू करूँगी तब तो एवरेज नहीं लेंगे ना, तब तो तीनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग लेना पड़ेगा ना. अब तो क्लैरिटी आ चुकी है. तो इफ सी एफ इक्वल टू 300 हुआ तो देखना कैसे चलेगा ये. सो एन पी वी विल बी 300 इंटू पी वी ए 10% कॉमा 3 माइनस 500. टू फोर्टी सिक्स आ रहा है ना. अब देखो, अब ध्यान देना क्या है ये डेटा, वो ध्यान देना तुम. तुम्हें पता है ये क्या है? ये है तुम्हारा एस, ये तुम्हारा है ई, और ये है तुम्हारा पे ऑफ. समझा? अगर एक साल के बाद चालू किया और अगर बूम हुआ तो प्रोजेक्ट करेंगे. तो मैं क्या लिखने वाली हूँ पता है? सिंस पे ऑफ इज पॉजिटिव कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड. सिंस पे ऑफ इज पॉजिटिव कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड. और पे ऑफ है कितना? 246.05. नाउ अगेन चेंज. इफ सी एफ विल बी इक्वल टू 200, सो एन पी वी विल बी 200 इंटू पी वी ए 10% कॉमा 3 माइनस 500 कितना नेगेटिव आ रहा है? 2.63. अब देखो, अगर मैं एक साल वेट करती हूँ और मालूम पड़ा कि अगर मैंने चालू किया तो मेरा तो भट्टा बैठने वाला है, मैं चालू ही नहीं करूँगी. तो अगर चालू ही नहीं करोगे तो पे ऑफ क्या होगा? नेगेटिव क्या? जीरो. जीरो. सिंस पे ऑफ इज नेगेटिव कॉल विल लैप्स हैंस पे ऑफ इक्वल टू जीरो. जब 200 पे ही जीरो आ रहा है, 100 पे तो आएगा ही, फिर भी करना तो पड़ेगा ही. इफ सी एफ इज इक्वल टू 100 सो एन पी वी कितना आ रहा नेगेटिव? 6.97. तुम्हें पता है क्या क्या हम लोगों ने? ये पे ऑफ बोल रहे हैं तो एनपीवी ना. अब अपन को क्या करना है पता है? इस वाली एनपीवी को पहले वाली शुरू वाली से कंपेयर करना है. तो ये तो है 3 और वो है अकेला. तो इसको एक काम कर, और वो खड़ा है 0 में और ये खड़ा है 1 के एंड पे. तो इन तीनों को पहले तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज कर दो. दो तो 0 ही है राइट है. और उसको फिर एक साल पीछे डिस्काउंटिंग करके 0 पे ले आओ और फिर कंपेयर करो. जो ज्यादा होगा वो सजेशन आएगी. समझा? सो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना था? वो वाला बहुत बड़ा अमाउंट था, 246.05 इंटू 0.3
प्लस 0 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.3 73.815 पीवी इज 73.815 बाय 1.10 ज्यादा आ रहा है ना ये काफी ऑलमोस्ट डबल है तो अपने लोग को बोलते हैं कि भाई तुम लोग ना अभी चालू मत करो इट इज बेटर टू वेट फॉर 1 ईयर वी सजेस्ट तुमको ये समझा ना कि एक्सपेक्टेड क्यों करी और डिस्काउंटिंग क्यों किया ये तीन अलग अलग एनपीवी है और वो अकेला एनपीवी है तो इन तीनों को अपने को उससे कंपेयर करना है तो तीनों के बारे में आज तो पता है नहीं कौन सा होगा तो वी टुक एन एवरेज एंड क्योंकि देन इट इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वी टुक अ वन ईयर डिस्काउंटिंग वी सजेस्ट द फर्म टू वेट फॉर 1 ईयर हाँ तो वो तो गड़बड़ काम है ये सारे एवरेज के बेसिस से बातें हो रही है बट इट इज टेक केयर ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ इट हाँ तो तुम वो जीरो में ही लैंड करोगे तुम तो अगर बूम नहीं आए तो पहले केस वाले में भी फेल ही करेंगे अपन राइट ना नहीं आएगा तो दोनों के लिए नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी है ना वो तो सर्टेन कैश फ्लोज थे हाँ एक ही साल हाँ सम का वैरायटी अलग है पूरा अब मैं इसी सम को ना एक्सटेंड करवाती हूँ और एक्सटेंड करने में क्या करूँगी डेटा अपन सेम रखते हैं खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट को चेंज करके बढ़ा देते हैं थोड़ा बढ़ा इस तरह से देते हैं कि मुझे ना एनपीवी नेगेटिव चाहिए समझा मुझे एनपीवी नेगेटिव चाहिए वो जो आया था ना ऊपर कहाँ गया वो बाप रे बहुत ज्यादा है ये तो 300 और बढ़ाना पड़ेगा ना 300 नहीं तो कम से कम 250 तो बढ़ाना ही पड़ेगा तो एक काम करते 500 को कर देते हैं 750 और अबैंडनमेंट प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी तो अबैंडनमेंट प्राइस ले लेते हैं अपन या तो 400 ले लो नहीं तो 500 ले लो और उसको उसके हिसाब से फिर सम आगे बढ़ेगा लेकिन सम में सोच अलग होगी इसमें क्या है अब भी चालू करूं कि अगले साल करूं अबैंडनमेंट में क्या होगा करना तो अभी पड़ेगा करना तो अभी पड़ेगा तुमको बाद में अगर तुमने अभी चालू कर दिया तो और कितना टाइम बाकी है 2 फिर 1 साल के एंड पे कंपेयर करेंगे कि 2 साल से पैसा आने वाला ज्यादा कि बेच के पैसा मिलने वाला ज्यादा सम का फ्लो विल बी डिफरेंट इट इज नॉट द सेम देन चलो स्टार्ट Use the same sum. Use the same sum and compute NPV of the project
with abandonment option, initial is 750 lakhs, abandonment price कितना ले, 400 लें कि 500 लें, 450 ले लें, कितना भी ले लो, 450 lakhs at the end of first year, A, NPV without abandonment, मतलब अगर abandonment option के बिना लिया तो क्या होगा, तो expected CF is 300 into 0.3, 200 into 0.4 plus 150 into 0.3, पता नहीं कितना आया था, 215 आया था, so NPV will be 215 into PVA तो बहुत नेगेटिव आ रहा है क्या, माइनस नहीं तो इतना नहीं चाहिए अपने को, चेंज कर दो, मैं तो बोलती हूँ 600 नहीं, इतना बहुत, क्योंकि सम रेलिवेंस लूज हो जाएगा सम तुम्हारा क्या कर लें, 600 ले लेते हैं, चेंज कर दो, सेम चेंज देखो 600 करो, पहले देखो आंसर निकाल के देखो ना, मतलब 25-30 ऐसा चाहिए नेगेटिव, ज्यादा नहीं चाहिए यार, क्या फिर भी 65 आ रहा है, वेरी बैड, 580 लो, 580 नहीं भी मेरे को ना 30 नेगेटिव ऐसा चाहिए, हाँ 550 कर दो, चलो हाँ 550 से, हाँ चलेगा चलेगा, अच्छा है, एक सेकेंड ना, 550 ठीक है, ये आएगा कितना आया, माइनस 15.33 बी, मतलब अगर अपने लोग को कोई बोल रहा है कि प्रोजेक्ट ले लो लेकिन तुम अबैंडन नहीं कर सकते तो लेंगे क्या, नहीं नहीं चाहिए, बी तो हम लोगों ने कितना लिया, 550 का इनिशियल लिया है, ठीक है ना, चेंज हो गया सम सेंस, नाउ विथ अबैंडनमेंट, वेट अ मिनट, विथ अबैंडनमेंट में नंबर वन, इफ मैं एक करवाती हूं, देन आई हैव टू डू सम स्मॉल ट्रांजैक्शन एक्चुअली, इफ CF इज इक्वल टू 300 लैक्स, ठीक है ना, अब ध्यान देना, एक मिनट ना, एनपीवी नहीं निकालना है तुमको, यहां पे खड़े होकर के चेक करना है कि दो बार 300 लाख लें कि आज 450 लें, समझा, एक साल के एंड पे धंधे का दो कैश फ्लो का पीवी टू बी कंपेयर्ड विथ 450, समझा, अगर तुम्हारा धंधे का जो पीवी है वो होगा एस और 450 होगा तुम्हारा ई, तो ई माइनस एस, ई माइनस एस अगर तुम्हारा क्या हुआ, और इफ योर एस इज ग्रेटर देन ई देन व्हाट विल हैपन, पुट विल लैप्स, पुट लैप्स करने का मतलब अमेंडमेंट नहीं करेंगे, धंधा चलाएंगे, कैन वी गो अहेड नाउ, यस, सो पीवी ऑफ सीएफ विल बी 300 इंटू पीवीए 10% कॉमा 2 520 आया ना, 520 तो क्या बोलते, दुकान चलानी चाहिए कि बंद कर दें,
चलाना चाहिए, चलाना चाहिए. सो विल राइट हियर, एस इज इक्वल टू 520.66, ई इक्वल टू 450. सिंस एस इज ग्रेटर देन ई, पुट लैप्सेस एंड पे ऑफ क्या लोगे फिर, जीरो. पे ऑफ विल बी इक्वल टू जीरो. नंबर टू, इफ सी एफ इज इक्वल टू 200 lakhs, पी वी ऑफ सी एफ 200 into PVA 10%, 2. ₹347 आ रहा है ना, ये तो कम आ रहा है. ओके, सो एस इज इक्वल टू 347.11 एंड ई इक्वल टू 450. अब इस बार क्या है, ई इज ग्रेटर, एस इज, हाँ ई इज ग्रेटर देन एस, सो पुट शुड बी एक्सरसाइज एंड द प्रोजेक्ट मस्ट बी अबैंडन्ड एट द एंड ऑफ वन ईयर. और पे ऑफ पता है क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो पे ऑफ होगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे. ओके, सिंस ई इज ग्रेटर देन एस, पुट इज एक्सरसाइज्ड. And pay off will be 450 minus 347.11, 102.3. If CF is equal to 150 into PVA 10%, 2. तुम गलती से भी तीन मत लेना, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट आज ऑलरेडी चालू कर दिया है. अगर प्रोजेक्ट लोगे तो लेना चालू आज ही करना पड़ेगा. तुम्हें डिसाइड करना है कि अबैंडनमेंट के साथ या उसके बगैर, चालू आज ही होगा. हाँ, अबैंडनमेंट इज आफ्टर वन ईयर, 2 साल बाकी है ना, है ना. वन टू जी टी, रुको मैं करूंगी, इंटू 150, 260.33. ओके, सो सिंस एस इज इक्वल टू 260.33 and E equal to 450. Since E is greater than S, put will be exercised and payoff will be equal to 450 minus 260.33. हाँ, तुम्हें पता है तुमने जो डिफरेंस निकाला ये क्या है, कि अगर अबैंडन किया तो एक्स्ट्रा पैसा कितना जनरेट हो रहा है, राइट. अब क्या करेंगे पता है तुम्हें, ये जो तीनों पे ऑफ थे ना, इसका एक्सपेक्टेड करेंगे, उसको पीवी करेंगे और वहां पे कंपेयर नहीं करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे. डिफरेंस लिया ना, तो तुम यू विल नॉट बेसिकली कंपेयर द थ्री द वे यू डिड इन द फर्स्ट केस. यू विल टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिस्काउंटेड टू वन ईयर, एंड देन दैट इज अ वैल्यू ऑफ अबैंडनमेंट. इफ यू रिमेंबर एट ऑल, फ्लोर वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू याद है तुम्हें, तो बेसिकली दैट इज अ वैल्यू ऑफ हैविंग द अबैंडनमेंट ऑप्शन. तो क्या होगा, तुम्हारे जैसे ही ऐड करोगे ना, वो एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी तुम्हारी. तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्ट अगर लेना है तो जरूर लो, लेकिन अबैंडनमेंट ऑप्शन के साथ, उसके बिना नहीं लेना है. स्टार्ट. हाँ, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, बराबर है. एक्सपेक्टेड पे ऑफ
कितना है वो, पहला वाला जीरो आएगा ना, तो जीरो इंटू पॉइंट थ्री प्लस कितना है, वन जीरो टू पॉइंट एट नाइन इंटू पॉइंट फोर प्लस 189.67 इंटू पॉइंट थ्री, हाँ 98.057, ओके सो पी वी 98.057 डिवाइड बाई 1.10, 89.14, देयरफॉर एन पी वी with abandonment will be, वो कितना था माइनस 15.33 प्लस, विथ अबैंडनमेंट ऑप्शन ना, सो बेसिकली 89.14 इज द वैल्यू ऑफ द अबैंडनमेंट, राइट? सो वी सजेस्ट टू एक्सेप्ट the project but with option of abandonment मतलब basically तुमने देखा वो जो value extra generate हो रही है उस पैसे की वजह से, वो वाला part add कर दिया, तो उससे तुम्हारे project की value क्या हो गई, positive हो गई. सम का बिहेवियर बहुत यूनिक है, ध्यान दे दे के एक पॉइंट, इसलिए मैंने सम लिखा के कराया है क्योंकि तुम्हारे सामने आज का एक लास्ट सम आ रहा है, तुम सम की साइज देखना खाली. मम दे दो मेरे को लैपटॉप, कर देते हो 13 नंबर सम, रीड द सम, लास्ट सम, एक ही कर लोगे तो बहुत है. कैसा है सम? और ये पता है तुम्हें, उतने बड़ी कहानी में से सिर्फ चार जो तुमको मैंने लिखाया ना, प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो, बस उतना ही डेटा चाहिए तुम्हें सम करने के लिए, बाकी सब बकवास है. Okay, so I'll read the sum for you. Oil has been found in Bombay High region. The Indian Oil Corporation owns a lease to extract crude oil and is considering the construction of a deep sea oil rig. Construction cost is rupees 20 crore. Dhyan dena sum pe. Institute ka hi sum hai. And these costs are expected to grow at a constant rate of 10% per year. The risk-free rate is also 10%. So the cost of the well is constant at rupees 20 crore in the present value terms.
regardless of when construction begins. The current price of the oil is 200 per barrel. Once the well is set up, the corporation's variable production cost to extract and refine the crude would be rupees 80 per barrel. Assuming there is no maintenance or other production fixed cost, the well is expected to produce 2 lakh barrel per year in perpetuity given by K. All the cash flows are assumed to occur at the end of the year. Production is expected to start immediately, in which case the first cash flow will occur at the end of the first year. Currently, OPEC countries are deliberating oil output and prices. If OPEC members take unanimous decision, production will be limited and oil prices will rise to 300 per barrel in the perpetuity. मतलब basically ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इन लोग का इनका जो कार्टेल है अगर वो इंटैक्ट हो गया रह गया तो 300 पर बैरल में बेचेंगे और अगर किसी ने चोरी कर दी बीच में होता है ना कार्टेल में क्योंकि वॉल्यूम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ना ये लोग कार्टेल वाले कि वॉल्यूम ज़्यादा मत करो किसी लेकिन कोई एक दगाबाज निकल जाएगा उसमें छुप करके बेच देगा तो छुप करके बेचेगा तो क्या होगा प्राइस गिर जाएगी और वो प्राइस गिर जाएगी तो वो हो जाएगा 100 बैरल रुपीज़ 100 पर बैरल तुमको सब में दोनों की प्रॉबिलिटी दे रखी है 0.6 और 0.4 सब में एक सीधा सा सवाल ये किया है अब भी इन्वेस्ट करें कि अगले साल करें कौन सा ऑप्शन है ये टाइमिंग ऑप्शन का सम है ना मैं क्या बोलती हूँ इतना बड़ा सम पढ़ने से बेटर है कि आई वुड बी प्रेफरिंग टू समराइज द सम इन टू लाइन्स राइट सो प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी 300.6 100.4 राइट ना अच्छा इनिशियल कितना बोला है 20 अब लेकिन आज 20 है अगर अगले साल हुआ तो 22 हो जाएगा हाँ मतलब 20 नहीं सुनो इट्स ओके शी सेइंग दैट 20 वो जो 20 है ना वो नहीं बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ के 10% से 22 हो जाएगा ओके वेरिएबल कॉस्ट कितना इसका आई मीन उसको कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज 80 पर बैरल राइट 80 पर बैरल फैक्टर क्या दिया है सो आर एफ इक्वल टू 10% सम इतना ही है तुम्हारा फालतू का स्टोरी करा था सारा पर पैचुटी तो एन तो होगा नहीं तो ए स्टार्ट नाउ या इमीडिएटली जो भी तुम्हें लिखना है सो कैन आई राइट लाइक दिस गाइस इसमें ना तुम्हें वहां पे कैश फ्लो दिया था मैंने यहाँ पे तुम्हारे सेल्स दे रखा है मैंने पर बैरल का क्वांटिटी भी दे रखी होगी कहाँ है एक सेकेंड थर्ड लाख हाँ 2 लाख पर बैरल्स ठीक है चलेगा क्वांटिटी 2 लाख बैरल्स मैं क्या बोल रही हूँ कि अपने को ना पहले 300 को 200 से मल्टीप्लाई कर 2 लाख से मल्टीप्लाई करने का राइट ना और व्हाट यू कैन डू स्टार्ट नाउ में तो एक्सपेक्टेड प्राइस राइट विल बी 300 × 0.6 प्लस 100 × 0.4 210 आ रहा है क्या 220 या 220 पर बैरल हो गया ये अब 220 में से अपन क्या करते हैं 80 हटा देते हैं तो कैश फ्लो पर बैरल आ गया और तो कुछ है ही नहीं सब में अगर 220 में से 80 हटा दूंगी तो क्या आ जाएगा कैश फ्लो पर बैरल आ गया ना डेप्रिसिएशन है ना टैक्स है ना कुछ और है राइट कैश फ्लो पर बैरल मेक इट शॉर्टर एंड सिंपलर ना 220 − 80 हाँ कैन आई राइट लाइक दिस देयरफॉर एनपीवी विल बी प्लस 140 पर बैरल हुआ ना तो उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैन आई राइट लाइक दिस रुपीज देखो तुमको समझता क्या 140 × 2 लाख राइट है द होल डिवाइड बाय 0.10 − 20 करेक्ट ना 140 × 2 मेरा टोटल कैश फ्लो हुआ 280 डिवाइड बाय 0.1 विल गिव व्हाट आई थिंक 28 करोड़
करेक्ट ना, 28 करोड़, 2800 लाख मतलब क्या हुआ, 28 करोड़ ना, रुपीज 28 CR माइनस रुपीज 20 CR इक्वल टू रुपीज 8 CR, इट इज द सेम 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 सम. बी, स्टार्ट आफ्टर 1 year, इफ प्राइस इक्वल टू रुपीज 300 पर बैरल, तो पता तुम्हें कैश फ्लो कितना कैसे हो जाएगा, रुपीज 300 माइनस रुपीज 80, राइट ना, द होल इन टू 2 lakh, तो मेरे हिसाब से होगा 300 माइनस 80 इन टू 2, 4.4 करोड़ हुआ वो, सो रुपीज 4.40 करोड़, देयरफॉर एनपीवी विल बी रुपीज 4.40 करोड़ बाय 0.10 माइनस 22, ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट विल इंक्रीज विद इन्फ्लेशन रेट ऑफ 10%, आई गेस 22 करोड़, तो क्या लिखें, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड एंड पे ऑफ विल बी रुपीज 22 CR. If price is equal to rupees 100 per barrel, so cash flow will be 100 minus 80 into 2 lakh, right? कितना होएगा ये? बहुत कम है तो लग रहा है. 0.4 करोड़ हुआ ये. क्यों? 0.4 करोड़ हुआ ना, हाँ. 0.4 करोड़. Therefore, NPV will be rupees 0.4 CR by 0.10 minus 22 crore. तो 4 करोड़ माइनस 18 हो गया ही, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, सिंस NPV इज नेगेटिव कॉल विल लैप्स एंड पे ऑफ विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, देयरफॉर एक्सपेक्टेड पे ऑफ 0.6 इंटू 22 प्लस 0.4 इंटू जीरो 13.2 करोड़ पीवी. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम ना, तुमने देखा जो मैंने तुमको एग्जाम्पल इसलिए लिखवाया, वरना मैं नहीं लिखवाती थी, आई कैन मेक दैट एग्जाम्पल एंड टाइप ऑल्सो, बट वो मुझे पता है कि वो लिखवा देने से तुम्हारे दिमाग में फ्रेम हो गया कि डेटा यही चाहिए, चाहे इतना बड़ा सम क्यों ना हो. 13.2 CR डिवाइड बाई 1.10, आई थिंक इट विल बी 12 रुपीज 12 CR, तो बताओ भाई कौन सा ज्यादा है, स्टार्ट आफ्टर 1 year, ओके, we suggest 1 year. ग्रेट अचीवमेंट, मैंने जिंदगी में कभी रियल ऑप्शन खत्म ही नहीं होता, मतलब कोई एक सम इतना बड़ा जो खत्म नहीं हो रहा है, 1 hour full ना. Yeah, I'll zoom.